वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत ही यादगार भरा रहे और बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए। तो इसी मौके पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉन्जी और मॉइस्ट केक, कलरफुल केक। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है और बिना किसी ओवन, अंडे, बिना व्हिप क्रीम के, बिना बीटर के, बिना किसी मशीन के आज हम इसे बनाने वाले हैं। और इसमें जो हम क्रीम यूज़ करने वाले हैं वो हम दूध से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कलरफुल केक बनाने के लिए यहाँ एक कप दूध लेंगे और एक चम्मच इसमें विनेगर डाल लेंगे। विनेगर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। एक बर्तन लेंगे और उसमें कोई भी जाली या स्टैंड आप लगा लीजिए। नमक डालना चाहे तो आप नमक डाल सकते हैं और इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम प्रीहीट कर लेंगे। अब जो दूध हमने साइड में रखा था वो ले लेते हैं और इसे एक बड़े से बाउल में हम डाल लेंगे और एक छलनी लेंगे अब और इसमें हम 1.5 कप मैदा डाल लेंगे। यहाँ मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, डाल लेते हैं और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। छान लेते हैं अच्छे से। अब मैंने यहाँ 3/4 कप चीनी का पाउडर लिया है। अगर आपके पास चीनी का पाउडर नहीं है तो आप चीनी को मिक्सी में पीसकर उसका पाउडर ले सकते हैं। 2 चम्मच मैंने यहाँ मिल्क पाउडर लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा केक में। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर लिया है और 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ बेकिंग सोडा लिया है, इसे भी हम अच्छे से छान लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से छानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो इसे छान लेंगे और जो बाकी ये बच गया है इसे हम अलग निकाल लेंगे। अब अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और स्मूथ सा बैटर बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अब मैंने यहाँ 3 चम्मच दूध लिया है। दूध को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, एकदम से सारा नहीं डालना है। अगर आप दही ले रहे हैं, 1/2 कप आप दही ले रहे हैं तो दूध भी हमें 1/2 कप ही लेना है, लेकिन मैंने यहाँ दूध 1 कप लिया था पहले। अब मैंने यहाँ 1/4 कप तेल लिया है, आप चाहे तो पिघला हुआ मक्खन भी ले सकते हैं, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर तेल डालने के बाद आपको लगे कि ये ज़्यादा टाइट है तो आप 1 से 2 चम्मच इसमें दूध और भी ऐड कर सकते हैं। तो हम स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। बैटर एकदम परफेक्ट बना है। अब मैंने यहाँ 4 ग्लास लिए हैं, इसमें हम बैटर डाल लेंगे क्योंकि मैं यहाँ 4 कलर का यूज़ कर रही हूँ, कलरफुल केक बनाने वाले हैं। तो कोई भी आप कप लीजिए, कटोरी लीजिए, तो एक साइज़ के वो होने चाहिए और उसमें सेम हम बैटर डालेंगे, बिल्कुल सेम क्वांटिटी का। यहाँ मैं 5 ग्लास ले रही हूँ, तो 4 में मैं कलर ऐड करने वाली हूँ और 1 मैं बिना कलर वाला रखने वाली हूँ। देखिए ये मैंने बैटर अच्छे से डाल लिया है इनमें। अब मैंने यहाँ कलर लिए हैं, टोटल मैं 4 कलर लेने वाली हूँ, तो आप अपनी पसंद के कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ येलो कलर, पिंक कलर, ऑरेंज और ग्रीन लिया है और 1 मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब एक केक टिन लेंगे, उसे अच्छे से ऑयल से या बटर से ग्रीस कर लेंगे और उसमें बटर पेपर हम लगा देंगे। अब जो बैटर हमने बिना कलर वाला रखा है वो डाल लेते हैं सबसे पहले और इसे अच्छे से टैप करके हम इसको फैला लेंगे अच्छे से। अब जो कलरफुल बैटर है वो डाल लेते हैं, सबसे पहले ग्रीन डाल लेंगे और बैटर को हमें बिल्कुल बीच में डालना है जिससे इवनली स्प्रेड होगा अपने आप ही। अब पिंक डाल लेते हैं, येलो और लास्ट में हम ऑरेंज डालने वाले हैं। ये ऑरेंज कलर वाला बैटर हो गया। अब इसे हम अच्छे से टैप करेंगे जिससे इसमें कोई भी बबल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। देखिए
ये जो बर्तन हमने प्री हीट करने के लिए रखा था वो बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। अब केक टिन को इसमें रख लेते हैं और 40 से 45 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर इसे बेक कर लेंगे। एक बार 40 मिनट के बाद हम चेक ज़रूर कर लेंगे इसे। अब क्रीम बनाएंगे। क्रीम बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है, इसे उबलने के लिए रख दिया है। चम्मच से चलाते हुए ही इसको उबाल लेंगे हम। दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब मैंने यहाँ 1.5 चम्मच विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका लिया है और 1.5 चम्मच ही मैंने उसमें पानी डाल लिया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में ऐड करेंगे। गैस को यहाँ हम बंद कर देंगे। देखिए छेना बिल्कुल अलग हो गया है। छेना बनाएंगे, इसी से हम क्रीम बनाने वाले हैं। अब इसे हम छान लेंगे। यहाँ मैंने एक छलनी ली है और उसके ऊपर कपड़ा लगा दिया और नीचे बड़ा सा बर्तन रख लिया है। अच्छे से छान लेंगे और इसे नॉर्मल पानी से हम अच्छे से धो लेंगे 2 बार, जिससे जो खट्टापन है वो निकल जाएगा। देखिए अब इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका पानी बिल्कुल नहीं निचोड़ना है, इसको ऐसे ही 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब एक मिक्सिंग जार लेंगे हम। मिक्सिंग जार को 1 घंटे के लिए फ्रिज में मैंने रख दिया था। इसमें हम डाल लेते हैं छेने को और इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, जिससे बिल्कुल स्मूथ हमारी क्रीम बनेगी। देखिए मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करते टाइम हमने इसमें 4 चम्मच पानी डाल लिया था। पानी की जगह आप दूध बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी ही इस्तेमाल करना है। और पानी जितना हमारी पनीर में या छेने में जो भी है उसमें पानी होगा उसी के अनुसार हम इसमें पानी डालेंगे, तो इसमें कम या ज़्यादा पानी लग सकता है। इसमें टोटल 4 चम्मच मैंने पानी ऐड किया था। अब एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें 2 चम्मच हम बटर डाल लेंगे, क्योंकि हम इसमें फैट यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा सा फैट रहेगा तो क्रीम बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो हम इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए इसमें स्टिक पीक बन गए हैं। अब जो क्रीम बनाकर हमने तैयार की थी वो डाल लेते हैं और इसे करीब करीब 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे से फेंट लेंगे। 2 से 3 मिनट फेंट लेंगे इसे अच्छे से, जिससे बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट एकदम फ्लफी हो जाएगा। अब हम इसमें चीनी का पाउडर यूज़ करने वाले हैं, तो 2 चम्मच मैं इसमें चीनी का पाउडर डाल रही हूँ। पहले 2 चम्मच डाल के हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, उसके बाद 2 चम्मच हम फिर से डालेंगे, तो टोटल हम 4 चम्मच चीनी पाउडर इसमें डालने वाले हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच और डाल लेते हैं और 1 से 2 मिनट अच्छे से फेंटने के बाद चीनी का पाउडर हम जब डालेंगे तो हल्का सा ये पतले हो जाएगी क्रीम, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए तो बहुत ही अच्छी क्रीम बनकर तैयार होगी। अब आधी छोटी चम्मच मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ। वनीला एसेंस आपको अगर पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे बहुत ही अच्छी क्रीम बनकर तैयार होगी और इसमें स्टिक पीक भी आ जाएंगे। अब हम केक को चेक कर लेते हैं। 40 मिनट हो गए हैं। वाओ, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से केक फूल गया है। अब टूथपिक डाल के हम देख लेंगे, एकदम क्लीन टूथपिक निकली है, तो केक अच्छे से बेक हो गया है। अब इसे हम बर्तन से निकाल लेंगे, इसे ठंडा कर लेंगे अच्छे से। केक अच्छे से ठंडा हो गया है। अब ये हल्का सा बीच में से आपको लग रहा है उठा हुआ है, तो हम इसे बिल्कुल एक जैसा कर लेंगे, हल्का सा कट कर लेंगे इसे, जिसे जब हम क्रीम इस पे डालेंगे तो इवनली स्प्रेड हो जाएगी। देखिए आप कलर देख रहे होंगे, एकदम अच्छे से कलर इसमें दिखाई दे रहे हैं। आप चाहे तो ज़्यादा कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने 3 चम्मच यहाँ दूध लिया है और 1.5 चम्मच इसमें मैंने चीनी डाल दी है।
शुगर सिरप मैंने तैयार किया है। आप चाहें तो दूध की जगह पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इस पर स्प्रेड कर लेंगे हम इसे, जिससे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। अब हम क्रीम को निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें स्टिक पिक बन रहे हैं। अब एक ग्लास लेंगे और हम पाइपिंग बैग लेंगे। पाइपिंग बैग की बहुत ही आसानी से मार्केट में आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिले तो जिस में हम सामान वगैरह लेके आते हैं, पॉलीथीन वगैरह होती हैं, तो उससे भी हम इसे बना सकते हैं। इसमें क्रीम डाल लेंगे और क्रीम को हम केक पे अच्छे से फैला लेंगे। इसमें मैंने नोज़ल लगाई है। नोज़ल से बहुत ही आसानी से क्रीम केक पे स्प्रेड हो जाएगी। स्पैचुला से आप स्प्रेड कर लीजिए, या आपके पास बड़े वाला नाइफ है तो आप उससे आसानी से इसे स्प्रेड कर पाएंगे। सभी जगह अच्छे से हम क्रीम लगा देंगे। क्रीम आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इस पर स्प्रेड कर सकते हैं। तो अच्छे से हम सेट कर लेंगे इसे। देखिए क्रीम को मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब इसे हम 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे क्रीम बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी, वो पिघलेगी बिल्कुल भी नहीं। देखिए 30 मिनट के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और बहुत ही अच्छे से क्रीम सेट हुई है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ मैंने डेकोरेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मैंने जैम्स लिए हैं, जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आते हैं। बच्चे इस केक को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो चलिए डेकोरेट कर लेते हैं इसे। आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप उसी के अनुसार इसे डेकोरेट कीजिए। नया साल है और मैं चाहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हो ये, तो कलरफुल केक हम बनाने वाले हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है। अब मैंने यहाँ वाइट चॉकलेट ली है और उसमें हल्का सा पिंक कलर मैंने ऐड किया है, तो इसे न्यू ईयर हम लिख देंगे। देखिए मैंने इस पर न्यू ईयर लिख दिया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप भी ऐसे केक बना सकते हैं। नया साल आ गया है, नए साल पर आप ऐसे केक बना सकते हैं। कलरफुल बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट, स्पंजी और मॉइस्ट केक बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट्स पर आप इसे शेयर कर सकते हैं। और आशा करती हूँ ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई फ्रेंड्स।